हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम तस्वीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस मौलाना फजलुर रहमान धरना फनी मोमेंट्स देखेंगे हम इसके अंदर। अभी जो धरना वरना हुआ था कुछ कोर्ट के सामने इमरान खान को रिहा करने के ऊपर, तो उससे रिलेटेड कुछ फ़नी मोमेंट्स शायद सामने आ गए हों। तो ऐसे वीडियोज़ हमें देखने में मज़ा आता है क्योंकि वो चीज़ें जो हम नहीं ढूंढ पाते वो ऐसे वीडियोज़ में हमें मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, मौलाना डीजल का सुप्रीम कोर्ट के सामने से धरना खत्म करने का ऐलान, क्योंकि 2000 फी बंदा हर दिन के हिसाब से 23 तक तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पीडीएम हुकूमत हजारों लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंची। हुकूमत ने हुकूमत को रेड जोन जाने से रोका, मगर हुकूमत ने हुकूमत की ना मानी और तक्काशाही से रेड जोन में दाखिल हो गई। अब हुकूमत से मुजाकरात कर रही है कि हुकूमत के सामने एहतजाज खत्म करे। मतलब इमरान खान ने पीडीएम की क्या हालत कर दी है। हुकूमत में होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे रही है। अब किसी भी हुकूमत की इससे बड़ी बेबसी क्या होगी। मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज के दौरान एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों की गुजरती हुई बस ने मौलाना को दिन में तारे दिखा दिए। बच्चों ने IIPTI के नारे लगाकर मौलाना डीजल और इसके हवारियों का मुंह चढ़ाते रहे। देखे जी, ये क्या नारे लगा रहे हैं। मरियम के पापा चोर हैं। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इसीलिए डीजल को आगे कर दिया गया। मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहते हैं। अब धरने के लिए इन्हें लोगों का हुजूम चाहिए था, इसीलिए एक एक को 2000 देने पड़े। और ऐसा नहीं है कि डड्डू चार्जर की तरह मौलाना अपने वर्कर्स को सिर्फ 2000 ही दे रहा है। ये 2000 हर एक वर्कर को सिर्फ एक दिन के दिए जा रहे हैं। फिर से आएंगे तो फिर 2000 मिलेंगे। अब किराए पर लोगों को इकट्ठा करोगे तो फिर ये जमीन गर्म करने के बजाय कुछ और ही करेंगे। इस क्लिप को देखें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना डीजल के लोग धरना दे रहे हैं। मौज ले रहे हैं, खेल रहे हैं। अरे और आ गए। धरने में जब लोग मौलाना डीजल से काबू नहीं आए तो फिर इन तमाम लोगों की जमीन को ठंडा करने के लिए इज्जत माब नानी 420 को पधारना पड़ा। मरियम नानी के आते ही न सिर्फ मौलाना डीजल की जमीन ठंडी की, बल्कि वर्कर्स भी इन्हें देकर खुशी से फूले न समाए। ओहो ओहो। और अपने आज तक के तमाम खाए गए हलवे की तासीर को बर्दाश्त न कर सके। मरियम नानी के स्टेज पर पहुंचते ही फिर से तारीख दोहराई। नानी ने आज पीला सूट जेबे तन किया था, जिसे देखकर लोगों को बेनजीर याद आ गई, क्योंकि इसके बगोड़े बाप ने बेनजीर को पीली टैक्सी कहा था। और इस जलसे के बाद लोगों ने ये मंजर भी देखा कि हर जगह पर 2023 की पीली टैक्सी का जिक्र था। तारीख बड़ी जालिम है, इंसान को कभी नहीं भूलती। 2023 की पीली टैक्सी। अच्छा। साहब, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में आपकी राय थी, वो मरियम बीबी और आस्था के बारे में भी वही है कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। कोई जवाब देंगे मौलाना साहब? वैसे तो धरने में बहुत फनी सीन देखने को मिले, लेकिन चीफ जस्टिस ने डीजल के साथ हाथ कर दिया। डीजल के हवारी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर पीटते रहे और बंदियाल साहब ने अगली तारीख देकर इनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। लगता है जस्टिस साहब को मारने से ज्यादा घसीटने का शौक है। अब सुबह से भूखे प्यासे लोग भी क्या करते, एक दूसरे के साथ लड़ने के अलावा इनके पास कोई चारा ना बचा। नून लीग वाले लड़ने लगे कि हम मरियम तंदूर वाली का नारा लगाएंगे, और मौलाना डीजल के साथ ही बजीद थे कि हम तो मौलाना साहब के नारे लगाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि मदरसे के तलबा को जबरदस्ती लाया जा रहा है, ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये दुरुस्त है। ओ भाई, क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? जो 4 महीने के बाद बच्चा पैदा कर दे वो कैसी लीडर हो सकती है? बाहर से आए इन सबको 1000-1000 1500-1500 पैसे दिए, क्या ये सच है? ये सच है, बहुत सच है, लेकिन बात ये है करूंगा क्योंकि हम आए इधर। देखें जी, ये इनके हालात है। कह रहे हमको पता नहीं है, मौलाना साहब से पता करो। और ये देखा अपने लापरवाही का नतीजा।
दोस्तों इस फनी धरने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। रिदी सबसे पहली पोल पैसे देकर लाए हो यार, धरना भी पैसे देकर करा रहे हो, बड़ी तगड़ी बेइज्जती है। दूसरा फनी बेइज्जती वाला सीन ये कि कोई सीरियस नहीं था, झूला झूल रहे थे उस पर खड़े होकर राउंड 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 राउंड। तीसरा जो था उनसे क्वेश्चन कि आपने किसी और को बोला और औरतों की जो हुक्मरानी है या फिर जो हुकूमत में आना है या फिर पॉलिटिक्स में आना है वो जायज़ नहीं है, ऐसा बोला गया था और उन्हीं की पार्टी में लोग लड़कियां औरतें आ रही हैं। क्या यार ये डबल डबल वो हो गया, स्टैंडर्ड डबल सोच, दोगली सोच जो बोलते हैं। खैर इसके अंदर फनी फनी सीन्स थे, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी पोले खुली है, बच्चों ने भी झंड करी है, नारे लगाते हुए जा रहे थे। पीटीआई के इमरान खान के धरना चल रहा था फजल रहमान का, वाह भाई वाह, पैसे देकर भी कुछ हो नहीं पा रहा। और ऐसी चीज़ें जब एक्सपोज हो ही जाती हैं, इतना बड़ा सोशल मीडिया है, कोई ना कोई कर ही देगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बार ख्याल आया था अभी कि पीटीआई के लोग जो होते होंगे ना वो जाते होंगे ऐसी जगह पर कि चलो यार कुछ तो एंटरटेनिंग चीज़ें मिलेंगी और फिर हम उसको इंटरनेट पर शेयर करेंगे, कुछ तो वीडियो कुछ तो ऐसे हाथ से होंगे जैसे कि ये मिल गए, किसी ने बनाए होंगे। अब वहाँ पर धरना तो उन्हीं का था, पीटीआई का क्या काम था वहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ लोग चटपटल सीन देखने के लिए जाते होंगे, चलो यार वीडियो ही बना लेंगे, पैसे बट रहे थे तो वीडियो बना लिया, वो पीटीआई के ही वो लोग होंगे जिन्होंने शेयर किया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज़ बताओ, सब्सक्राइब करते जाओ, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।